नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते अंधेरी सबवे में पानी भर गया है। कुर्ला, सांताक्रूज, अंधेरी सहित कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का असर नजर आने लगा है। अंधेरी सबवे में पानी भर गया। कुछ दूसरे इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। मुंबई पर कल और परसों यानी कि 13 और 14 जून भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और इसके साथ ही साथ बीएमसी ने लोगों को चेतावनी दी है कि समंदर के करीब न जाया जाए, क्योंकि हाईटाइड की भी संभावना है। पूर्वी उपनगरीय इलाके में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके, निचले इलाके जहां पर पानी भर गए। अंधेरी सबवे की तस्वीर, जहां पर पानी भर जाने की वजह से रास्ते को पूरा बंद किया गया है और वहां पर पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। मानसून के साथ ही आफत का भी आगाज हो चुका है। भारी बारिश जिससे प्रभावित मुंबई में मानसून जिस दिन से शुरू हुई है, भारी बारिश का सिलसिला शुरू है। अनलॉकिंग के समय में लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कतें हो रही है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून शुरू होते ही मुंबई करों की मुश्किल बढ़ने लगी है। बीएमसी ने जो दावे किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, वो किसी न किसी कारण अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। इसीलिए मुंबई के जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे, जैसे कि हिंदमाता, अंधेरी सबवे, वहां पर इस साल भी भारी बारिश के चलते पानी भरने की दिक्कतें सामने आ रही है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। सीधा चलेंगे मुस्तफा शेख, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अभी फिलहाल कैसा मौसम है मुंबई का और अलग अलग इलाकों से खबरें कैसी आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वार्निंग तो दी गई है आज के दिन का ऑरेंज अलर्ट और उसके बाद कल और परसों के दिन रेड अलर्ट। मुंबई में धीमी बरसात तो देखी जा रही है, लेकिन जल भराव की स्थिति इस वक्त कहीं भी नहीं है, क्योंकि सुबह से बारिश जो है वो थमी हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई में अभी खतरा टल गया है। जो वार्निंग है वो हाई अलर्ट की अगले 3 दिनों के लिए दी गई है और सारी एजेंसियां, चाहे वो NDRF हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, इन सबको स्टैंड बाय पर रखा गया है और कंट्रोल रूम से सिचुएशन हर जगह मॉनिटर की जा रही है। चाहे फिर वो मिथि नदी का इलाका हो या बाकी के जो बीचेस हैं, उन सभी इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है, वहां पे ना जाए। ऐसी 1 से 2 घंटे में भारी बरसात के चलते कहीं ना ट्रैफिक है वो चेक कर ले, क्योंकि 1 से 2 घंटे में भारी बरसात के चलते कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग और उसके बाद ट्रैफिक की दिक्कतें सामने आती है। अनलॉक के मुताबिक आपको बता दें कि मुंबई में जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं वो वीकेंड पर बंद रहती है, लेकिन ज्यादातर दुकानें आज बंद है। इसका मतलब ट्रैफिक थोड़ी कम होगी, लेकिन देखना यह होगा कि अब बरसात कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्स और ऐसी कई हादसे भी मुंबई में मॉनसून सीजन में कई ज्यादा सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर जो दिक्कतें हैं मुंबई करों के लिए वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। प्रशासन सतर्क है, अब देखना ये होगा। हालांकि देखिए, आज बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो कोविड प्रोटोकॉल है, हालांकि उतनी उस संख्या में लोग बाहर नहीं निकल रहे। शनिवार का दिन है आज का, अगर बात की जाए तो अब भी संख्या थोड़ी कम होगी। लेकिन इस बीच मुस्तफा ये भी बताएं कि खबर आ रही थी कि अंधेरी सबवे को एहतियातन बंद किया गया है, पुलिस बल की तैनाती वहां पर कर दी गई है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आप पूरे 3 महीने जो बरसात के हैं उसमें अंधेरी सबवे को बंद किया गया है, इसी जानकारी म्युनिसिपल कमिश्नर ने हमको दी है। क्योंकि वो इलाका जो है वो निचला इलाका है, रेलवे ट्रैक्स के नीचे से रोड बनाया गया था, उसमें पानी बहुत जल्दी भर जाता है और वहां से पानी निकालने के लिए एक मोगा पंपिंग स्टेशन की जरूरत है, जिसका अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए 3 महीनों के लिए उस सबवे को बंद रखा जाएगा। जैसे ही उस पर थोड़ा भी पानी भरता है वहां की आवाजाही बंद हो जाएगी। और मिलन सबवे और ऐसे कई इलाके मुंबई के हैं जहां पर पानी अक्सर भरता है, तो ये रस्तों को बंद इस वक्त कर रही है, लेकिन वो टेम्पररी सॉल्यूशन है बीएमसी के लिए। बिल्कुल, जो मेजर परमानेंट सॉल्यूशन है वो ये है कि इन इलाकों से पानी ना भरे, इसकी कोशिश की जाए। लेकिन प्रशासन का कहना है कि उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हिंदमाता हो या अंधेरी सबवे हो, जो प्रोजेक्ट प्लान किए गए हैं बीएमसी की तरफ से, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। जी, नजर आप बना रखिए। शुक्रिया, दलीलें तमाम है प्रशासन की, लेकिन हाल बिल्कुल वैसा ही है जो हर साल बारिश के समय में मुंबई की तस्वीर हम देखते हैं, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ कल करीब 5 घंटे तक बैठक की थी।
प्रधानमंत्री मोदी कई मंत्रियों से मुलाकात भी कर चुके हैं और माना यह जा रहा है कि मंत्रियों के मिलने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सूत्रों की माने तो अभी फिलहाल कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय कोयला, पेट्रोलियम, स्टील, शहरी विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रेलवे, संस्कृति, पर्यटन, जनजाति मंत्रालय, पर्यावरण, सड़क और परिवहन, स्किल डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट मंत्रालयों की समीक्षा की जा चुकी है। तो हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक फिलहाल खबर क्या मिल पा रही है, अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मिलेंगे और फिर उसके बाद रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से तय होगा, क्योंकि एडिशन भी होनी है और कई मंत्री ऐसे जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार भी, यानी दूसरे मंत्रालय भी उनके पास है। फिलहाल आपको बता दें, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरदीपुरी, शहरी विकास मंत्रालय, यानी इनसे बातचीत हो चुकी है, इनका कामकाज किस तरीके का रहा इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी मुलाकात हो चुकी है प्रधानमंत्री की, वो भी अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री को दे चुके हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, उनके मंत्रालय के कामकाज के बारे में जाना है। जनजाति मंत्रालय अर्जुन मुंडा, उनसे भी बातचीत हो चुकी है। तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे मुलाकात बातचीत हो चुकी है। गिरिराज सिंह पशुपालन और डेयरी मंत्रालय उनके पास है, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है। और अब एक एक करके रेल मंत्रालय का कामकाज अभी तक किस तरह का रहा है, पीयूष गोयल प्रधानमंत्री से मुलाकात करके इसके बारे में भी बता चुके हैं। कोयला मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है और उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा है, अभी तक कामकाज कितना हुआ है, पूरा ब्यौरा दिया जा चुका है। वीके सिंह मिले थे, 2024 के चुनावों पर मोदी सरकार की नजर है और इसीलिए ये मुलाकातें चल रही हैं। हर मंत्री अपनी तरफ से अपने अपने मंत्रालय का पूरा ब्यौरा दे रहा है, यानी एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, इसको इसी तरीके से समझ लीजिए। और फिर उसके बाद ये तय होगा कि किस तरीके से फेरबदल किया जाए और किस किस मंत्री के पास अतिरिक्त भार है और वहां पर किस तरीके से दूसरे, चाहे वो सहयोगी दल हो या फिर दूसरे मंत्री हो, जिनको फिलहाल एड ऑन किया जा सकता है। आपको बता दें कि कल योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, यानी अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, अगले साल 5+2 राज्य ऐसे जहां पर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उसको भी ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस फेरबदल को बहुत अहम माना जा रहा है। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बहुत सारे मुद्दे हैं, 5+2, अगले साल चुनाव होने, 5 तो शुरुआत में ही हो जाएंगे 2022 के, दो राज्य ऐसे जिनके बाद में चुनाव है, उसके बाद 2024, तो कुल मिलाकर क्या इस फेरबदल को उसी नजरिए से देखा जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं और वहां के रिप्रेजेंटेशन को जो है कैबिनेट में बढ़ाने को भी देखा जा सकता है, क्योंकि हमेशा ये होता है जब जहां जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन राज्यों के मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से जो है कैबिनेट रिसफल नहीं हुआ है नवजोत, और कई मंत्रियों के पास जो है बहुत ज़्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। पीयूष गोयल के पास रेलवे है, कॉमर्स है, फूड एंड कंज्यूमर मंत्रालय है, और अगर देखें तो प्रकाश जावड़ेकर के पास जो है INB है और तमाम और पर्यावरण है, और साथ ही साथ जो है हैवी स्टील जो है इंडस्ट्री वो उनके पास है। इस तरीके से कई मंत्रालयों के पास जो है बहुत लंबी जो है जिम्मेदारियां हैं कई मंत्रियों के पास, और उन्हें जो है ये काम उनकी काम की समीक्षा भी की जा रही है पिछले 2 साल की। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कई गठबंधन के साथी जो हैं उनको भी जगह मिल सकती है, JDU का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में बढ़ सकता है, और साथ ही साथ जो है अपना दल की अनुप्रिया पटेल जो 2014 से 19 तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में थी, लेकिन 19 में उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, और पिछले दिनों उन्होंने यूपी को लेकर जो है मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह से, तो ये भी अटकलें हैं कि अनुप्रिया पटेल को भी जो है केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ AIADMK जो एक सहयोगी दल है NDA का, जिसने बिल्कुल चुनाव लड़ा है अभी विधानसभा का, उनको भी यहां जारी रहेगा, नजर आप बना रखे, लौटेंगे आपके पास इस बीच। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान पर अब विवाद छिड़ गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह ने एक क्लब हाउस चैट में ये कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 बहाल किया जाएगा। अमित मालवीय ने दिग्विजय सिंह का ऑडियो जारी किया है और इस क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। 370 दोबारा लाने की बात दिग्विजय सिंह ने कही है। क्लब हाउस चैट का ऑडियो जो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार मौजूद था, ऐसा अमित मालवीय ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने ये सीधे सीधे आरोप लगाया है क्लब हाउस चैट का वो ऑडियो उन्होंने
कहा है कि इसमें सारी बातें दिग्विजय सिंह ने कही हैं। क्लब हाउस चैट का ये पूरा विवाद है जिसको लेकर अमित मालवीय ने ये बात कही है। पॉलोमी इस वक्त मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पॉलोमी, मामला क्या है? एक कॉन्वर्सेशन है जो दिग्विजय सिंह और काफी सारे लोगों के बीच में चल रहा था। क्लब हाउस जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑडियो कॉन्वर्सेशन, सब डिबेट्स, डिस्कशन हो सकते हैं, उस एक कॉन्वर्सेशन में जो कि बीजेपी का कहना है ये मई के महीने में हुआ था, इस कॉन्वर्सेशन में किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, शायद क्योंकि सवाल सुनाई नहीं दे रहा, जो क्लिप बीजेपी ने रिलीज किया है उसमें पूछा गया था कि आर्टिकल 370 के बारे में कांग्रेस के क्या विचार है, उस पर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जो डिसीजन था वो काफी दुखद था और वो डिसीजन अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो उन्हें उस डिसीजन की तरफ एक रीलुक करना पड़ेगा, तो रीकंसिडर करना पड़ेगा, ये उनका कहना था। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई ऑफिशियल पोजीशन लिया नहीं है। दिग्विजय सिंह के अलावा सिर्फ पी चिदम्बरम ने आज से पहले ट्वीट किया था कि जो डिसीजन अगस्त के 5 तारीख 2019 को लिया गया था उस डिसीजन को विड्रॉ कर लेना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह, पॉलोमी मैं आपको रोक रही हूँ, जरा वो ऑडियो सुनवा देते हैं फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of JNK is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. तो सुना आपने ऑडियो, और इसी के बाद एक क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी की खासम खास दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 खारिज किए जाने के फैसले पर फिर से विचार करेगी। सच में यही तो पाकिस्तान चाहता है, अमित मालवीय ने ट्वीट करके ये बात कही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।